5 जनवरी 5 जनवरी 2022 पहला हफ्ता चल रहा है 2022 का और ओमिक्रॉन का डर लोगों को हो रहा है काफी। एक हम पेशेंट हैं जिनको पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, लखनऊ से आए और इनको पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी 2018 में, उनका भी छाती में दर्द हुआ, एंजाइना हुआ। तो किसी को पहले से हार्ट की बीमारी हो तो उसमें तो और चेक करना जरूरी होता है एंजियोग्राफी करके। चल लखनऊ से आए तो हमने चेक किया इनकी एंजियोग्राफी, तो ये पहला शॉट लिया हमने एंजियोग्राफी का, इसमें देखा कि पुराना स्टेंट अच्छा काम कर रहा है, यहाँ स्टेंट लगा हुआ था, लेकिन जो एक दूसरी आर्टरी है उस आर्टरी में, एक दूसरी आर्टरी में करीब 70% ब्लॉकेज है। जब 70% ब्लॉकेज होता है और आर्टरी बड़ी होती है, बड़ी मतलब महत्वपूर्ण आर्टरी, बाहर की 3 नसें होती हैं, उसमें कुछ ब्रांच होती है, कुछ बड़ी आर्टरी होती है, कोई मेन नस है, तो मेन नस के अंदर ये ब्लॉकेज है। ये देखिए खून बिल्कुल पतला हो गया, ये एक जगह आके बिल्कुल पतली हो गई, आगे मोटी है ये। तो इसमें हमने स्टेंट लगाने का प्लान किया और फटाफट स्टेंट लगा दिया। राइट कोरोनरी आर्टरी ठीक है, अच्छी बात है, इनकी उम्र 53 साल है, लेकिन आर्टरी डायबिटीज़ है तो नसों में कैल्शियम भी काफ़ी है इनके, तो कैल्शियम होता है तो ब्लॉकेज ज़्यादा आने की संभावना होती है। हमने चेक किया, राइट वाली नस बिल्कुल ठीक है, किडनी की नसें ठीक है। हमने बात की इनसे और लगे हाथ एक साथ, हमने एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये तार गया पतला, हमने स्टेंट लगा दिया, 2 पॉइंट के बीच में स्टेंट है, ये स्टेंट को खुला दिया। स्टेंट लगाने में कई चीज़ें तकनीक इन्वॉल्व होती है और ख़ास करके स्टेंट का प्लेसमेंट, स्टेंट अच्छी तरह लग जाए कि उसके अंदर फिर से खून का थक्का ना जमे। हमने फिर से 2 बार गुब्बारा, एक बार गुब्बारा लिया क्योंकि नस पूरी तरह फूला नहीं था ये, तो हमने एक गुब्बारा लेके स्टेंट को अच्छी तरह डिप्लॉय कर दिया। फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, तो फाइनल रिजल्ट इनका कर दो, ये फाइनल रिजल्ट है, ये ये। तो अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ स्टैंड लग चुका है, यहाँ नहीं लगा, दोनों में कंपेयर करिए, यहाँ बिल्कुल पतला हो रखा है, यहाँ स्टैंड लगने बाद नस पूरी खुल गई। सेम आर्टरी इधर इधर देखा, दोनों आ रही है, ठीक है। तो 5000 तो दीज आर वेरी ट्रिकी पेशेंट। रात शाम को 7 बज रहा है, टाइम हो गया 7:30 बज गया है ऐसे। राधिका हमारे साथ लगी हैं, रेणुका हैं, रेशमा हैं, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। मास्क उतारने की हिम्मत कम है, लेकिन फिर भी एक बार शक्ल दिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन के समय में मास्क पहने रहें। एडॉक इसको कहते हैं एडॉक एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी कर देने में सुविधा ये होती है कि जो पैर की नस में ट्यूब पड़ा हुआ है तो लगे हाथ हो जाता है। एंजियोप्लास्टी इज ए लाइफ सेविंग टेक्निक, जो हम करते हैं बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा जो लोग डॉक्टर्स हैं या पेशेंट के अटेंडेंट हैं, कि अगर कहीं हल्का फुल्का दर्द हो तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी से एंजियोग्राफी कराएं, अगर एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो कराएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 5 जनवरी 2022 शाम को 7:30 बजे। थैंक यू, उठ जाइए, आप बंद करिए, कर दिया। अरे आपकी शक्ल तो, ये यहाँ का स्टाफ है अपोलो का, ये राधिका छेत्री, प्रियंका, सब लोग काम में लगे हैं। एंड दिस इज द वे वर्किंग स्पिरिट इज लाइक दिस, कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इवनिंग मॉर्निंग वर्क इज ऑलवेज ऑन, कोरोना नॉन कोरोना, नॉन कोरोना तो अभी हुआ ही नहीं है। तो आई एम डॉक्टर वेरी गुप्ता अपोलो, जस्ट टॉकिंग अबाउट टू द पेशेंट एंड द फैमिली मेम्बर्स, डोंट पैनिक, टेक प्रिकॉशंस, ये हमारा मंत्र है आजकल, प्रधानमंत्री ने दिया है, खास करके ओमिक्रॉन में भी और सिमिलरली हमें हार्ट डिजीज के लिए भी कहूँगा, डोंट पैनिक, टेक प्रिकॉशंस। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो दिल्ली एट 7:30 PM ऑन 5th of January। थैंक यू, बाय बाय।